हाँ धोखे हो चुके हैं रेडी वहाँ पे जाने के लिए, अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं तो मैं कहे तब तक ना हम ये इस वाले लेटर फोटोशूट कर लेते हैं। और मैंने ये शादी का रीड़ा लगा लिया क्योंकि मेरे को जाना मंदिर, और यहाँ का मैं आपको पूरा सुंदर वाला नज़ारा दिखाती हूँ। तो मैं कि अपनी फ़ोटो वोटो भी खींच लेते हैं, कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम ना यहाँ पे रुके थे ये वाला गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम का नाम नहीं पता मेरे को, क्या किसके जूते 6000 का झूठ नहीं बोलती देख सकते हो आप कितना सुंदर सा नज़ारा है, और सुंदर सी पहाड़ियाँ पीछे है, कितना सुंदर 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 नज़ारा है। ऐसे लग रहा है, ऐसे लग क्या रहा हम लोग स्वर्ग में ही है, अभी लग नहीं रहा सच में हम लोग स्वर्ग में ही है, पता है। हेलो हेलो कर दो, हेलो 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 आरव 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 सुन नहीं रहा, आई पिको मेरा बच्चा खोल है। सर इतनी सारी भेड़ बकरियां वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, तू नहीं ले झटपट का लगे जल्दी कर कड़ी तो ओ कड़ी कस नहीं ना लक्की लक्की तो नहीं ना माता ले तो गाइस देख लो मैं पहुंच चुकी हूँ भरमौर अपने कुलदेवी मंदिर में, भरमाणी मंदिर के पास, जो कि हमारी कुलदेवी है, मेरी मायके वालों की कुलदेवी है, ससुराल वालों की कुलदेवी जो है वो अभी नीचे है, बता दी मैंने वाई जी फोकस कर, वाई मैं फोकस कर दूंगी ओ मेरे पति देव जी कहाँ गए कहाँ गए, ये तो मेरा बच्चा है लक्की वो आगे आगे ये आ रहा है, उंगली मेरी पता नहीं कहाँ जा रही है सिगरेट लगा रहे आजा, और ये आ गई मेरी बहन सुमन, हेलो गाइस, और वो दूसरी वाली सिस्टर है वो फोन पे लगी हुई है। हाँ तो हम भरमाणी मंदिर में पहुंच चुके, अभी अब लेके जाएंगे आपको, लेकिन मैं के पहले हम आपको ये सुंदर सुंदर जो पहाड़ी है उनका नज़ारा दिखा दें और बता दें कि हम रेडी हो चुके हैं, और मैं अब मैं मेरा लुक भी आपको पीकू बताएगी। हाँ और हमको जो हमारा बच्चा लक्की है वही लेके आया इधर, उसी ने सारी गाड़ी वाड़ी सारी उसी ने बुक की है, और वो पता है कहाँ से आया, लक्की कहाँ रहता तू, लक्की रहता होली, पता है बच्चे अपने ही होते हैं, वो तो जान लुटाता है हमारे ऊपर बुआओं के ऊपर, तो वो होली से आया स्पेशल पता हमारे लिए, और सारा अरेंजमेंट लक्की ने ही किया है पता है। मैं हम तो लोग तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं पता पता है, ये जो बच्चा है ना, और इन लोगों की वजह से ही और भगवान की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और मैं भगवान के दरबार पे हूँ आज, माता के दरबार पे, और बोल रही हूँ कि इन बच्चों की वजह से और भगवान की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, तो आज मतलब आप समझ सकते हो बात को। दिया किसने है दीदी, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बढ़िया, बल्ले खन्ना क्या बोलूं, कैसा लग रहा आपको? अति सुंदर, पहाड़ों में आके वादियों में आके, दीदी तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, दीदी तो बहुत 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 बार आ चुकी है, दीदी के तो पुराने ससुराल, पुराने नहीं मतलब जो पुश्तैनी ससुराल जो शायद इस साइड ही है, तो ये आती रहती है इस साइड, इनके जेठ वेठ और ना वो सारे लोग इस तरफ ही है तो आती रहती, बट मेरा फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पे आना। और ये बहन जी ये लगी है फोन पे अपनी बेटियों को दिखा रही है कि हम कहाँ पहुँच गए, क्या मंदिर खुल गया? अच्छा खुल गया, बोलो जल्दी से हो जाए, और ना ये इस तरफ मंदिर है, अभी मैं अंदर को पूरा आपको बताऊंगी। हाँ जी अभी चार्जिंग होने दो कैमरा को, होने दो अभी अभी है, फोन है ना, फोन करना काम अभी। और इस तरफ देखो कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, ये नेहा की मासी है दो, हेलो कौन है, ये नेहा की फ्रेंड है, हाय ना, मैंने आपको सुबह बताया था ना, शूट करके बताया था
सुमन बुआ ना आई खोल दे कर खा बकरा है ना बंदा बुआ चलो आ रहा आप भी चलो चल आ रहे हो यहाँ के मंदिर हनुमान बाबा आ रहे पीछे शेबु तेरे हाथ लाओ लाए दे बड़े लगा दी और शाह की सजाई दे करना इन्हें फिर से फेंक देना कोई नहीं फेंक दे नहीं देगा ये लक्के ओ ऐसे तो बहुत बढ़िया है आ रहा बैठ जाओ आ रहा हूँ आराम से बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ आ रहे हो आ रहे हो तो चले जाओ सो कीजिए चल 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 तो नेबो आप भी चल जाओ अंदर चढ़ाए दे तो बगा बस सो के चले जा चली तो चली जाओ सो के रखे ना प्रसाद अरे हो गया Thank you.
सुनना हुआ चुन्नी दे वाला केड़ी हूं माता रे चुन्नी ले पकड़ के वो करना पीतला की सब्जी रख दो ले आ रहा चलो मत्था टेक अंदरों चल सुबह ना चल जाओ अंदर मत्था टेको आ भी जाओ देख लिया मैंने यहाँ गया मम्मा के साथ जाओ ना और भी जाएगी करना क्या वैसा तो गाइस मैंने आपको माँ भरमानी माता के आपको दर्शन करवा दिए और जितने भी मुझे देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी जिन्होंने नहीं किया वो भी प्लीज़ सारे दर्शन कर लें और ये नया जोड़ा और यहाँ पे सती माता जी उनके भी दर्शन कर लो भगवान करे जितनी भी आपकी विशेज हैं सारी पूरी हों तो गाइस ये है भरमानी माता आप भी दर्शन कर लो अच्छे से मैं आपके दर्शन करवा ही दिए हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं अब लक्की बोल रहा है कि यहाँ पे ना और जितने भी मतलब आपकी विशेज होती हैं आप यहाँ पे माता जी की चुनरी बांध सकते हो सारी मनोकामनाएं जो वो पूरी हो सकती होती हैं और यहाँ पे आप सिक्का डाल सकते हो तो मैंने भी डाल दिया है मैंने भी माता रानी से मांग लिया है और मेरी मनोकामना भी जल्द पूरी होने वाली है और लक्की अभी यहाँ पे स्नान करेगा तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ रुको एक मिनट एक चीज दिखाती हूँ पहले तो आप व्यू देखो अच्छा कितना सुंदर सा व्यू है यहाँ मंदिर से भरमानी मंदिर से भरमानी मंदिर भरमौर हिमाचल प्रदेश एक तो आप मैंने आपको दर्शन करवा आरब जस्ट वेट मैंने आपको भरमानी माता के दर्शन करवा दिए उसके बाद आप देख सकते हो इतना सुंदर वाला व्यू और ठंडा पानी तो पूल में है ही मैंने आपको दिखाया शायद नहीं दिखाया बिल्कुल ठंडा पानी है पूल का और तीसरी बात ये देखो यहाँ पे इतनी सारी भेड़ बकरियाँ हैं मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको वेट ये देखो कितनी सारी भेड़ बकरियां हैं
कल शाम को भी मैंने बताई थी, पर वो जल्दबाजी में ना उतना मैं आपको दिखाई नहीं पाई, और ना शाम भी हो गई थी। तो कितना सुंदर सा, प्यारा सा सब कुछ लग रहा है। ये देखो अंकल जी पीछे पीछे दौड़े भेड़िए, और इस तरफ हैं ये घोड़े, और इस तरफ आ रहे अंकल जी। जय माता दी। एक कुत्ते भी, कुत्तों को लगता डर। है ना सुंदर सा, और ऊपर आसमान देखो। हाँ हाँ चल तो चल, जन्नत है जन्नत। मैं तो जन्नत में ही हूँ, और जन्नत के दर्शन मैंने आपको भी करवा दिए। और मेरे को कमेंट्स कर करके बताना कि ये वाला व्लॉग किस किस को पसंद आया है। ये भी पसंद नहीं आएगा फिर कुछ भी पसंद नहीं आ सकता आपको, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। क्यों पिक्कू, अगर आपको ये व्लॉग पसंद नहीं आया तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको पसंद आएगा। क्या देखो आरव, कैसा लग रहा है आपको मंदिर में आके? आरव कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है ना? भूख लगी, पर हमें भूख लगी है अभी, धाम भी तैयार है, प्रांगण भी तैयार हो रहे, सब कुछ ही तैयार है, बस आप यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा जरा भी, है ना बिक्कू? कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा जरा भी नहीं कर रहा पता पानी। हाँ हाँ मैंने दिखाया ना सारा, ये देखो ये 80 मीटर यहाँ हुई थी पिक्कू उस लड़के की ना, उस वो ना कब, पिछले साल पिछले मणिमहेश में कहा, मणिमहेश यही आया था, ये मणिमहेश है ना, यही आया था ना। उसने ना वहाँ पे ना छलांग लगा दी ऐसे, और ना लड़की की डेथ हो गई थी उस वाले पूल में, लड़का लड़की लड़का इसमें लगा था, शायद नहीं होती क्योंकि इसका तो है ना नीचे काफ़ी है, उसने शायद छोटे वाले में लगा दी। तो ठंडा है, शिवेन और लक्की ने नहाना था, पर पानी ना बिल्कुल ही बर्फ की तरह ठंडा है, तो नहीं नहाए, वैसे ही छीटे बिटे मार लिए। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है, वैसे मैं बता ही नहीं सकती था, मैं इतनी खुश हूँ यहाँ आके, फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मैं अपनी ना जो मेरे भाव है ना, जो मेरी फीलिंग्स है, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मैं बोली माता रानी मेरे को हमेशा बस जल्दी 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 ना ऐसे ही बुलाती रहे, फटाफट 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 हर साल बुलाती रहे, मैं हर साल माता के दरबार में ऐसे दर्शन करने आऊँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा वाली खुश हूँ, और भगवान माता रानी करे फटाफट फटाफट अभी नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाऊँ, दौड़ के आऊँगा माता के दरबार में सच्ची।